Hello everyone, welcome to GATE Education. In the previous lecture, we have discussed the basic concept of VSB modulation and how to calculate the power of VSB modulated signal. Now, in this lecture, we will discuss the generation and demodulation of VSB modulated signal. So, चलिए start करते हैं. Generation of VSB modulated signal. कैसे जनरेट करेंगे? देखो, जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था बीएसपी, जहां से वहीं से सोचो. सबसे पहले क्या किया था हमने, एक मैसेज सिग्नल चाहिए था आपको, ठीक है, उसी को मॉड्यूलेट करते हैं. ठीक है, मैसेज सिग्नल के थ्रू क्या होता है, करियर में मॉड्यूलेशन होता है. और सबसे पहले क्या किया था आपने, डीएसबी सिग्नल चाहिए था आपको. डीएसबी सिग्नल को ही तो हम साइडवेंड शिपिंग फिल्टर से पास करा रहे थे. तो यानी कि वीएसबी मॉड्यूलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डीएसबी मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल ले लो. और डीएसबी मॉड्यूलेशन वाला ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है. तो हम क्या सिंपल एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से क्या जनरेट कर लेंगे, एक आपका डीएसबी सिग्नल जनरेट कर लेंगे. फिर उसको हम पास किससे करा देंगे, जो अपना स्पेशल फिल्टर लिया था मैंने, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, उससे पास करा दोगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, बीएसबी. यानी कि क्या ले रहे हैं हम, एक सिंपल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ले लो. डीएसबी सिग्नल क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही होता है करियर मैसेज का. तो एक हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ले लिया है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. ठीक है, यानी कि जो हमने डीएसपी में जितने भी मेथड पढ़े हैं, किसी से भी निकाल लो, हमने उनमें से सिंपल वाला ले लिया, प्रोडक्ट वाला. मैसेज सिग्नल यहाँ से करियर जा रहा है आपका, एसी कॉस 2 पाई एफसीटी. यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डीएसबी सिग्नल मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, एस डी एस बी टी. अब इसको किससे पास करा देना है, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर से. साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, बैंड पास फिल्टर. वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल मिल जाएगा आउटपुट पे. इसका मैंने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एचएफ मान लिया है. जो स्पेक्ट्रम जो फिल्टर का बनाया था मैंने, उसको मैंने मान लिया स्पेक्ट्रम क्या है, एचएफ है. तो एस डी एस बी टी कितना हो जाएगा, लिख ही लोगे ये तो. एस डी एस बी टी कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों सिग्नल का. तो ए सी एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी. इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी लिख लोगे कितना हो जाएगा, ए सी बाई 2 एम ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस के एम ऑफ एफ प्लस एफ सी. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अब किससे पास करा रहे हैं इसको, इस सिग्नल से पास, इससे फिल्टर से पास करा रहे हैं, जिसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना है, एच एफ. डी एस बी का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इतना है, तो इसका वी एस बी का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कितना हो जाएगा, एस बी एस बी एफ इज इक्वल्स टू एस डी एस बी एफ इंटू एच एफ. कितना हो जाएगा ये, ए सी बाई 2 एम ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एम ऑफ एफ प्लस एफ सी इंटू एच एफ. एच एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ साइड बैंड शेपिंग फिल्टर.
ये हो गया जनरेशन आपका, ठीक है। ये कौन सा सिंगल मिल गया, बीएसपी सिंगल मिल गया आपको। इसके तो साइड बैंड शेपिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर वाला है। डीएसपी जनरेट कर दो उसको, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर से पास करा दो, डीएसपी मिल जाएगा। अब लिखो डिमोड्यूलेशन, डिमोड्यूलेशन ऑफ बीएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके लिए भी कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, सिंक्रोनस डिटेक्टर। और क्या बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर को, कोहेरेंट डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है, कोहेरेंट डिटेक्टर। हमेशा याद रखना, चाहे सिंक्रोनस डिटेक्टर बोल दो चाहे कोहेरेंट डिटेक्टर बोल दो, जो मतलब सिंक्रोनस का होता है वही कोहेरेंट का होता है, यानी कि कैरियर ट्रांसमिटर की साइड और रिसीवर की साइड क्या होना चाहिए आपका, फिर सेम उसमें होना चाहिए, सिंक्रोनाइज रहना चाहिए। सर्किट डायग्राम पता ही है सिंक्रोनस डिटेक्टर का, बना लो। क्या होता है, एक मल्टीप्लायर होता है जिसपे आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल जाएगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे कौन सा है, एस बी एस बी टी। यहाँ से कैरियर जाएगा किसके थ्रू, लोकल ऑसिलेटर के थ्रू। फिर किससे, इसके आउटपुट को किससे पास कराना होता है, लो पास फिल्टर से पास कराना होता है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, बेस बैंड सिग्नल चाहिए, तो इसलिए लो पास फिल्टर। आउटपुट पे हमको क्या मिल जाएगा, मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। मान लिया यहाँ पे हमारा कुछ एस नॉट टी मिल रहा है मल्टीप्लाई होके, तो देखो यहाँ पे एस नॉट टी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में डील करेंगे, टाइम डोमेन में नहीं, किस में डील करेंगे, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में डील करेंगे इस चीज को। क्या हो जाएगा देखो, एस वी टी इंटू लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट, लोकल ऑसिलेटर का आउटपुट हम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन वास्ता ले रहे हैं, एसी कॉस 2π एफ सी टी, सही है। लोकल ऑसिलेटर से क्या जा रहा है आपका, एसी कॉस 2π एफ सी टी। इसका बताओ फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एसी बाई टू एस वी एफ, सही है, एस वी एफ माइनस एफ सी प्लस के एस वी एफ प्लस एफ सी, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ एस नॉट एफ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एस नॉट टी का, क्या लिख दिया, एस नॉट एफ। अब क्या करो, एस वी की वैल्यू पीछे से उठा के रखो, कितना थे तेरे को एस वी, ये वाला था एस वी एफ ये है, तो इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा देखो, ए सी बाई टू है यहाँ पे, तो ए सी बाई टू वहाँ पे भी था, दोनों क्या हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना हो जाएगा यहाँ से एस नॉट एफ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा वैल्यू उठा के रख रहा हूँ मैं, ए सी बाई टू क्या आएगा, एस बी एफ माइनस एफ सी, तो एस बी एस एफ एफ की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ए सी बाई टू एम ऑफ एफ माइनस एफ सी था, तो कितना हो जाएगा, एफ की जगह एफ माइनस एफ सी रखोगे तो एफ माइनस टू एफ सी हो जाएगा, प्लस के एम ऑफ एफ प्लस एफ सी था, अब एफ की जगह कितना रखना है, एफ माइनस एफ सी, तो कितना बचेगा, एफ सी कैंसिल हो जाएगा, एम एफ बचेगा।
एच एच वाला पार्ट यहाँ पे और लिखूं, क्या आएगा, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका। एच ऑफ एफ प्लस एफ सी, कुछ नहीं करना है आपको, इतना करना है जो भी इसमें उठा के उसकी वैल्यू पुट कर दो पीछे से, ये वाली वैल्यू थी एस बी एस, बस क्या रख दो यहाँ पे एफ माइनस, एक बार एफ माइनस एफ सी रख दो, तो एफ माइनस एफ सी रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एफ माइनस एफ सी तो एफ माइनस टू एफ सी, एफ माइनस एफ सी तो एम एफ बचा, तो पहला बार, और यहाँ पे एफ माइनस एफ सी तो पहला वाला टर्म देखो आपको ये वाला मिला मिल गया है, ये रहा ठीक है, इंटू यहाँ पे ये वाला है। दूसरा टर्म क्या है, प्लस एफ सी करना, तो देखो कितना मिलेगा, ए सी बाई टू, एफ की जगह क्या रख दिया, एफ प्लस एफ सी, तो एम ऑफ एफ प्लस एफ सी, एफ सी एफ सी कैंसिल हुआ तो क्या बचा एम एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ प्लस एफ सी रखोगे तो एफ प्लस टू एफ सी, और यहाँ पे एच ऑफ एफ प्लस एफ सी, तो दूसरा टर्म ये लिख दिया है, देखो एम एफ था प्लस एम ऑफ एफ प्लस टू एफ सी, एच ऑफ एफ प्लस टू एफ सी, कितना मिल गया है। अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका एम ऑफ एफ माइनस टू एफ सी इंटू एच ऑफ एफ माइनस एफ सी, दूसरा ये वाला लिख रहा हूँ मैं एम ऑफ एफ प्लस टू एफ सी वाला, एम ऑफ एफ प्लस टू एफ सी इंटू एच ऑफ एफ प्लस एफ सी, इतना हो गया है। प्लस के एम एफ वाला, क्योंकि हमको एम एफ चाहिए तो एम एफ वाला पार्ट अलग लिखो, क्या हो जाएगा देखो ए सी स्क्वायर बाई फोर एम ऑफ एफ, और क्या बचेगा यहाँ से एच ऑफ एफ माइनस एफ सी, और यहाँ से एच ऑफ एफ प्लस एफ सी, एम एफ दोनों में कॉमन है, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस के एच ऑफ एफ प्लस एफ सी, इतना हो जाएगा एस नॉट एफ। किससे पास कराना है इसको, लो पास फिल्टर से पास कराना है, बस क्या होना चाहिए ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे हमने डिमोडुलेशन करते थे कॉस फाई आता था सिंक्रोनस डिटेक्टर में, अगर आपका सिंक्रोनस नहीं है तो ठीक है, उस केस में हम क्या बोलते थे कॉस फाई आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए एम एफ के जो रीजन है जो इसकी बैंडविड्थ है उसके रीजन में क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, तो आपका मैसेज सिग्नल परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए ये आप फिर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कैसे है देखो, एच ऑफ एफ आपको पता है साइड बैंड शेपिंग फिल्टर ही था, तो साइड बैंड शेपिंग फिल्टर से क्या ड्रॉ करो तुम लोग, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी ड्रॉ करो, एच ऑफ एफ प्लस एफ सी ड्रॉ करो, फिर उन दोनों का सम ड्रॉ करो, ठीक है, पीछे फिल्टर कौन सा है अपना, ये वाला फिल्टर है अपना साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, ठीक है, इस वाले फिल्टर पे आ जाओ दोबारा से, इस फिल्टर से आपको क्या चाहिए, जो टर्म हमने लिए थे सारे एच ऑफ एफ माइनस एफ सी एच ऑफ प्लस एफ सी वो ड्रॉ करने हैं आपको, इसको इक्वेशन नंबर वन डाल लो, ये वाली इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पे देखो पहले सिंपल तरीके से कर लेते हैं फिर एच एफ वाला पार्ट हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे, क्या है देखो एस नॉट एफ यानी कि लो पास फिल्टर के इनपुट पे जो स्पेक्ट्रम है वो ये वाला मिल रहा है, कौन सा वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, क्या है ए सी बाई टू एस बी एस बी एफ माइनस एफ सी प्लस एस बी एस बी एफ प्लस एफ सी, ठीक है, अब आपका इसको इसका सिग्नल आपको पता है किसका, आपको इसका सिग्नल पता है कि बी एस बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा मिलता है, वो हमने पीछे बनाया था बी एस बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक, तो क्या है देखो बस क्या करना है, उस बी एस बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक बार राइट शिफ्ट करना है एफ सी से और एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है एफ सी से, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा, लो पास फिल्टर के इनपुट पे मिलेगा, फिर लो पास फिल्टर का रीजन आपको पता ही होता है क्या रहता है, बेस बैंड सिग्नल रहता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो आपको इसका प्लॉट बनाओ तुम लोग पहले, एस नॉट एफ, एस नॉट एफ कितना है ए सी बाई टू एस वी एफ माइनस एफ सी प्लस के एस वी एफ प्लस एफ सी, इसका प्लॉट पहले ड्रॉ करो, पहले हम प्लॉट बना ले रहे हैं एक बार एस वी का जो पीछे बनाए थे, क्या था आपका इस टाइप से प्लॉट था,
अपर साइडमेंट ऑलमोस्ट सेम था प्लस अनडिजायर्ड साइडमेंट का वेस्टिज ज्यादा था, इस टाइप से था। ये एफ सी था, यहाँ पे ये एफ सी प्लस एफ बी था, यहाँ पे ये एफ सी माइनस एफ बी था, ठीक। ये वाला एफ सी प्लस एफ एम था, ऐसे यहाँ पे अपर साइडमेंट तो ऑलमोस्ट पूरा जा रहा था और लोअर साइडमेंट का बेस्टिज वाला पार्ट जा रहा था। माइनस के एफ सी, माइनस के एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ सी माइनस एफ बी, ये माइनस एफ सी माइनस एफ, ठीक है। पीछे से बनाया है, किसका प्लॉट है, एस बी एफ का, इसका प्लॉट। अब इससे ये वाला ड्रॉ कर लो, तुम लोग क्या करना है, इस प्लॉट को एक बार राइट शिफ्ट कराना है, एक बार लेफ्ट शिफ्ट कराना है, एफ सी से उठा के दोनों को ऐड कर देना है। एफ बी था ये, कर लो सही इसको। क्या करना है, राइट शिफ्ट कर लेते हैं पहले, हर फ्रिक्वेंसी को किससे ऐड कर देंगे, एफ सी से। तो एफ सी वाला देखो कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 0 पहुंच जाएगा। तो किस टाइप से प्लॉट बनेगा आपका, इस टाइप से प्लॉट बनेगा। ठीक, ये वाला प्लॉट के यहाँ आ गया, ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, एफ सी वाला कहाँ पे पहुंच जाएगा, 2 FC, एफ सी ऐड करना 2 FC पे पहुंच जाएगा। तो ये वाला प्लॉट क्या बन जाएगा आपका, इस टाइप से बन जाएगा। टू एफ सी, ये 0। अब ऐसे ही क्या कर दो, इस प्लॉट को लेफ्ट शिफ्ट कराना है, कितने से, एफ सी से। कैसे शिफ्ट होगा, हर फ्रिक्वेंसी को एफ सी से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये माइनस एफ सी वाला एफ सी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस के 2 FC। तो किस टाइप से प्लॉट बन जाएगा, देखो माइनस 2 FC पे पहुंच जाएगा ये, रहा ये, इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 2 FC। ये वाला प्लॉट एफ सी से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एफ सी माइनस एफ सी हो जाएगा, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये चीज 0 पे आ जाएगी। तो ये प्लॉट कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये आया, किसका प्लॉट आया, ये आपका एस नॉट एफ का प्लॉट आया है। तो ये वाला लिख रहे हैं, तो इसमें क्या किया था, माइनस एफ सी से सब्ट्रैक्ट किया था। तो देखो माइनस एफ सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म मिल रहा है, तो एफ सी से इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, एफ एम ई तो बचा ही है, इसको एफ सी से घटा दोगे तो क्या बचेगा, एफ एम ई तो बचा, तो एफ एम ई तो होगा। ऐसे जब राइट शिफ्ट किया था, राइट शिफ्ट किया था तो क्या कर रहे थे, एफ सी ऐड कर रहे, तो इससे एफ सी ऐड करोगे तो क्या बचेगा, माइनस एफ एम ई तो बचेगा, तो ये माइनस एफ एम ई तो होगा ये वाला। यहाँ पे बाकी नहीं लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है, खाली 2 FC लिखो जिससे समझ में आए। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये अगर इधर से मैग्नीट्यूड आपका कम हो रहा है, ये इसका स्पेक्ट्रम की वैल्यू यहाँ से देखो डिक्रीज हो रही है, तो वहां से उसी हिसाब से डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। बट ये ऐसा नहीं है कि फ्लैट हो जाए, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज में डिफरेंस है। साइड बैंड शेपिंग जो फिल्टर था उसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया था कि ये दोनों, जब ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, ये यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, जब ये दोनों का सुपर पोजिशन एड हो, ये दोनों, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट हो वो कैसा रहे, रिजल्टेंट इफेक्ट इनका बने कैसा, ऐड हो जाए, ऐड होके इस टाइप से बने, क्या बने, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है ऐड होके किस टाइप से बने, इस टाइप से बने। तो ये फिर आपको क्या मिल जाएगा, देखो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। तो आपको साइड बैंड शेपिंग फिल्टर इस टाइप से डिजाइन करना है कि ये जो दो सिग्नल आ रहे हैं या दो यहाँ पे डिमोडुलेशन बात करने पर, तो इन दोनों का जो वेरिएशन है, इधर से ये ऐसे डिक्रीज हो जाता है, इधर से ये इंक्रीज हो जाए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहे वो आपका किसकी शेप दे, ऑलमोस्ट मैसेज सिग्नल की शेप
सिर्फ दे, जिससे क्या हो जाए आपका मैसेज सिग्नल डिमोड्यूलेट हो जाए, यानी कि जब इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा मैं इसका, तो क्या बनेगा देखो, इसका रिजल्टेंट बना रहा हूँ मैं, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा देखो, जो वेरिएशन हो रहा था उसका रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल बन जाएगा आपका। इस टाइप से आपको क्या करना है, बैंड टाइप, बैंड शेपिंग फिल्टर ऐसे डिजाइन होना चाहिए। अब इसको किससे पास करा देना था हमको, लो पास फिल्टर से, लो पास फिल्टर से पास करा देंगे। लो पास फिल्टर कैसा होता है अपना, ये तो क्या मिल जाएगा, लो पास फिल्टर के पे आपको मैसेज सिग्नल मिल जाएगा। तो ये आपका मैसेज सिग्नल रिकवर हो गया है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी वो आप ऐसे देखिए, हमने पीछे किया था आपका, मैंने एस नॉट एफ निकाला था। एस नॉट एफ क्या था, ये आपका मल्टीप्लायर के आउटपुट पे जो सिग्नल आ रहा था किसका मल्टीप्लीकेशन था, बीएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड लोकल ऑसिलेटर के आउटपुट के मल्टीप्लीकेशन था। तो यहाँ से जब हमने उसका फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन किया था तो ये आपका ये आया था। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स हैं, यहाँ पे आपका एच एफ माइनस एफ सी है, एच एफ प्लस एफ सी है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एम एफ के साथ एच एफ माइनस एफ सी, एच एफ प्लस एफ सी। तो मैंने क्या बोला था, इसको इसको कॉन्स्टेंट होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, इसको कॉन्स्टेंट होना चाहिए था, और कॉन्स्टेंट में भी ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो आपका मैसेज सिग्नल इजिली रिकवर हो जाएगा। ठीक, अब आपको देखना है ये बंद कैसे आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको एच एफ पता था, एच एफ हमने साइड बैंड शेपिंग फिल्टर लिया था, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर का रिस्पॉन्स हमको मालूम है, तो उसके थ्रू हमको क्या बना लेना है, एच एफ एफ माइनस एफ सी का प्लॉट बनाते हैं, एच एफ एफ प्लस एफ सी का प्लॉट बनाते हैं, फिर उन दोनों का सम देखेंगे कैसे आ रहा है, उसका स्पेक्ट्रम क्या है कि पूरे का, एच एफ एफ माइनस एफ सी और एच एफ प्लस एफ सी का पूरे का स्पेक्ट्रम क्या आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लो पास फिल्टर में जब एम एफ माइनस टू एफ सी को मल्टीप्लाई करोगे एच ऑफ एफ माइनस एफ सी से, तो लो पास फिल्टर से पास कराने पर यहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे इसको देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले प्लॉट ड्रॉ कर देते हैं एच ऑफ एफ माइनस एफ सी एंड एच ऑफ एफ प्लस एफ सी का। तो इस टाइप से हमारा प्लॉट था, किसका ये प्लॉट था आपका, साइड बैंड शेपिंग फिल्टर का। ठीक है, इस टाइप से हमारा प्लॉट हमने लिया था, दिस इज योर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ साइड बैंड शेपिंग फिल्टर। तो ये हमने पॉजिटिव साइड बनाया है, पॉजिटिव साइड में क्या था आपका, एफ सी माइनस एफ बी से लेके एफ सी प्लस एफ बी तक इस टाइप से ट्रांजिशन बैंड में वेरिएशन था, और आपका एफ सी प्लस एफ बी से लेके एफ सी प्लस एफ एम तक ये आपका एफ एम था। अब इसी टाइप से हम इसको नेगेटिव साइड भी बना लेते हैं, तो नेगेटिव साइड देखो कैसा प्लॉट बनेगा, ये जैसा इस साइड है ऐसे ही हमको इस साइड बनाना है नेगेटिव साइड भी। दिस इज योर माइनस एफ सी माइनस एफ एम, दिस इज योर माइनस एफ सी एंड दिस इज माइनस एफ सी प्लस एफ बी एंड दिस इज माइनस एफ सी माइनस एफ बी, तो दिस इज योर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ साइड बैंड शेपिंग फिल्टर। अब हमको क्या ड्रॉ करना है इससे, अब इससे हमको ड्रॉ करना है क्या, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी
एंड एच ऑफ ए प्लस एफ सी। ड्रॉ करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमको। एच ऑफ एफ माइनस एफ सी क्या करना है, जो भी एच एफ का प्लॉट है प्लॉट को क्या कर देना है आपको, एफ सी फ्रिक्वेंसी से राइट शिफ्ट करा देना है। तो करा दो राइट शिफ्ट, तो देखो क्या मिलेगा। हर वैल्यू को राइट शिफ्ट कराने के लिए करना होगा, हर वैल्यू को जो ये एफ की वैल्यू दी गई है इसमें वैल्यू को एफ सी से ऐड करा दो। जब एफ सी से ऐड कराओगे तो ये वाला पॉइंट देखो माइनस एफ सी वाला ये पॉइंट आपका कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा। तो किस टाइप से यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको, हमको ये स्पेक्ट्रम इस टाइप से मिलेगा। तो ये माइनस एफ सी वाला कहाँ गया आपका, जीरो पे आ गया है। ये वाला जो एफ सी पॉइंट है ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, हर वैल्यू को एफ सी सेट कर रहे हैं तो ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा, दिस विल बी रीच एट टू एफ सी। ये वाला पॉइंट आपका पहुंच गया है कहाँ पे, टू एफ सी पे पहुंच गया है। ऐसे ही आपका एच ऑफ एफ प्लस एफ सी का भी ड्रॉ कर सकते हो। वैल्यू लिख लो पहले यहाँ पे, ये वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे एफ सी पे, दिस वैल्यू इज 0.5, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या करना है यहाँ पे, एफ सी से ऐड किया था तो ये माइनस एफ सी प्लस एफ बी में एफ सी ऐड करोगे तो फिर से कितना बचेगा, एफ बी बचेगा। एंड दिस वैल्यू इज क्या करना है यहाँ पे, एफ सी ऐड करा रहे थे तो ये एफ सी माइनस एफ सी से जब एफ सी यहाँ पे ऐड होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ माइनस एफ एम बचेगा। ठीक है, तो ये तो प्लॉट हो गया आपका एच एफ माइनस एफ सी का। ऐसे ही आप प्लॉट बना लो किसका, एच ऑफ एफ प्लस एफ सी का। देखो जब एच ऑफ एफ प्लस एफ सी का प्लॉट बनाओगे तो क्या मिलेगा, अब देखो आपको किसका प्लॉट चाहिए, एच ऑफ एफ प्लस एफ सी का, यानी क्या है हमको एच एफ का प्लॉट लेफ्ट शिफ्ट कराना है फ्रिक्वेंसी एफ सी से, यानी कि एच एफ की हर एक फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करा देना है आपको, लेफ्ट शिफ्ट करा देना है एफ सी फ्रिक्वेंसी से। देखो क्या होगा, ये वाला एफ सी फ्रिक्वेंसी कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि इसको क्या करेंगे लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे एफ सी से, यानी कि एफ सी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एफ सी माइनस एफ सी हो जाएगा, तो ये वाला फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा। तो किस टाइप से प्लॉट बनेगा देखो, ये तो ये एफ सी वाला कंपोनेंट कहाँ आ गया है, जीरो पे आ गया है। ये वाला कंपोनेंट कहाँ जाएगा, ये माइनस एफ बी पे हो जाएगा। कौन सा वाला है, ये वाला एफ सी माइनस एफ बी है, एफ सी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस एफ बी। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, कितना है देखो, ये हमारा एफ सी प्लस एफ एम है, एफ सी से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, सिर्फ एफ एम बचेगा। ऐसे ही इस वाले को भी क्या करना है, एफ सी से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब इसको एफ सी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस एफ सी वाला कहाँ पहुंच जाएगा, माइनस टू एफ सी पे पहुंच जाएगा। तो किस टाइप से प्लॉट बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा इसका प्लॉट। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, माइनस टू एफ सी, बाकी वैल्यूज हम नहीं लिख रहे हैं इसकी तो जरूरत नहीं है। तो हमको एच ऑफ एफ माइनस एफ सी मिल गया है, एच ऑफ एफ प्लस एफ सी मिल गया है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या ड्रॉ करना है, इसके बाद हमको ड्रॉ करना है इन दोनों का सम। तो देखो सम ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा, इधर इन दोनों का सम करोगे तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, यहाँ पे जीरो है, जीरो प्लस समथिंग आपका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये जीरो है, यहाँ पे कुछ है, तो दिस प्लस दिस तो हमको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों सिग्नल आपके ऐड होंगे। अब देखो यहाँ पे जो आपका माइनस एफ बी से लेके प्लस एफ बी तक ये जिस टाइप से डिक्रीज हो रहा है, सेम ये उसी टाइप से इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों को जो सम आएगा सुपर पोजिशन करा के वो कितना जाएगा, वन आ जाएगा। तो हम दोनों का सम करा के स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। किसका प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी।
क्या हो जाएगा देखो, एच ऑफ एफ प्लस एफ सी का प्लॉट ऐसे था, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी का प्लॉट ऐसे था, तो ये तो ऑरिजिन के अराउंड था इस टाइप से। ये क्या था, एफ बी, ये था माइनस एफ बी, ये वाली फ्रिक्वेंसी कितनी थी आपकी माइनस एफ एम, एंड ये वाली फ्रिक्वेंसी थी आपकी प्लस एफ एम। इसके अलावा का टू एफ सी पे भी कंपोनेंट था आपका, टू एफ सी पे इस टाइप से था, ये वाली फ्रिक्वेंसी कितनी थी टू एफ सी, ऐसे आपका नेगेटिव साइड भी था। ये वाली फ्रिक्वेंसी कितनी थी माइनस टू एफ सी। तो देखो ऑरिजिन पे इन दोनों का सुपरपोजिशन कराओगे तो क्या मिलेगा, तो ये जिस टाइप से देखो आपका डिक्रीज हो रहा है उसी टाइप से इंक्रीज हो रहा है, तो जो इसकी वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, दोनों का सम होके जितना थी उतनी हो जाएगी, तो वन थी यहाँ पे तो वन ही हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू वन थी टॉप पे, और ये वैल्यू कितनी थी 0.5 थी। अब जिस टाइप से डिक्रीज हो रहा है उसी टाइप से इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू में कोई डिक्रीज होगा ही नहीं जब दोनों को ऐड करोगे, तो वैल्यू कितनी थी, वन की वैल्यू वन ही बनी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, अब एक फाइनल प्लॉट बना लेते हैं हम। तो आपका इस टाइप से प्लॉट मिल जाएगा, रीजन में क्या रहेगा, ये बनी हो जाएगा ऐड होके दिस इज योर एफ एम, दिस इज योर माइनस एफ एम, और ये इस साइड वाला तो क्या रहेगा, जैसा था वैसे ही आ जाएगा ये दिस इज योर टू एफ सी। सिमिलरली दिस साइड, दिस इज माइनस टू एफ सी, ये हाइट कितनी हो गई है इसकी, वन हो गई है। सो दिस इज द प्लॉट फॉर एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी, तो ये आपका फाइनल प्लॉट मिल गया है किसका, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी का। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करना था, क्या था हमको, अब आप अपना एस नॉट एफ के स्पेक्ट्रम वाले एक्सप्रेशन पे पहुंच जाओ। तो ये रहा एक्सप्रेशन, देखो क्या है हमको यहाँ पे, देखो क्या मिल रहा है, ए सी स्क्वायर बाई फोर एम एफ एच एफ माइनस एफ सी एच एफ प्लस एफ सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, एम एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो एम एफ का फ्रिक्वेंसी रीजन क्या होता है, एम एफ का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक था, माइनस एफ एम से लेके एफ एम तक था। अब माइनस एफ एम से एफ एम तक इसका स्पेक्ट्रम है, इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमको सिर्फ कितना मिलेगा, देखो एम एफ का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, एम एफ का स्पेक्ट्रम आपका सिर्फ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस एफ एम से प्लस एफ एम, तो हमको क्या कराना था, इसको मल्टीप्लाई कराना था इन दोनों को, क्या था हमारा यहाँ पे, ए सी स्क्वायर बाई फोर एम एफ, तो ए सी स्क्वायर बाई फोर एम एफ का प्लॉट ये है, मल्टीप्लाई किससे कराना था, एच ऑफ एफ माइनस एफ सी एच ऑफ एफ प्लस एफ सी। तो इसका आउटपुट जो मिलेगा, देखो आउटपुट क्या मिलेगा, इधर तो ये वाला सिग्नल जीरो है, इधर भी जीरो है, तो दिस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो जीरो ही मिल जाएगा। ऐसे जब इस वाले को भी जीरो से इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इधर में ऐसे सिग्नल तो कुछ है नहीं, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सिर्फ इस रीजन में देखो क्या मिलेगा,
एफएम के ऊपर देखो, एफएम के ऊपर ये वाला 0 है, यहाँ पे कुछ है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 0 हो जाएगा, ऐसे ही इस साइड भी 0 हो जाएगा क्योंकि इधर क्या है 0 है। तो यहाँ पे देखो माइनस एफएम से लेके प्लस एफएम तक इसकी वैल्यू क्या है 1 है, यही मैंने बोला था कि एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी आपका क्या होना चाहिए माइनस एफएम से लेके एफएम तक कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट पे हमको सिर्फ कितना मिलेगा, हमको सिर्फ इतना ही मिलेगा। ठीक है ना, कितना मिलेगा हमको, सीधा सीधा मैसेज सिग्नल मिल रहा है हमको, क्या मिल गया AC2/4 MF मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से किसका मल्टीप्लीकेशन ये हमको आ रहा है एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ एफ प्लस एफ सी, इस पूरे स्पेक्ट्रम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको सिंपली सिर्फ इतना ही मिल रहा है, क्योंकि इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, इधर वाला पार्ट भी 0 हो गया, सिर्फ हमको यहाँ से मिल रहा है माइनस एफ एम से लेके प्लस एफ एम तक। ऐसी एस नॉट एफ के बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन में देखो क्या था, बाकी एक्सप्रेशन में क्या है देखो, एम ऑफ एफ माइनस टू एफ सी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो एच ऑफ एफ माइनस एफ सी से, एंड एम ऑफ एफ प्लस टू एफ सी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो एच ऑफ एफ प्लस एफ सी से, करके देख लेते हैं ये काम भी। और फिर इसको हम किससे पार्ट करना है, हमको इसको जो भी एस नॉट वाला स्पेक्ट्रम था एस नॉट एफ का स्पेक्ट्रम किससे पास करा रहे थे, लो पास फिल्टर से पास करा रहे थे। ठीक है ना, तो लो पास फिल्टर से आपको क्या रीजन में मिलेगा, तो देखो वहाँ पे एम एफ माइनस टू एफ सी इंटू एच ऑफ एफ माइनस एफ सी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लो पास फिल्टर के आउटपुट पर यहाँ से कुछ मिलेगा, देखिएगा यहाँ से इसको देखो एच ऑफ एफ माइनस एफ सी का प्लॉट ये है। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एम ऑफ एफ माइनस टू एफ सी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखो एम ऑफ एफ माइनस टू एफ सी का प्लॉट किस टाइप से होगा, क्या होगा, जो एम एफ का प्लॉट था उसको कहाँ शिफ्ट करा दोगे आप, उसको टू एफ सी से शिफ्ट करा दोगे, तो ये इस टाइप से कुछ मिलेगा टू एफ सी पे। अब ये तो है टू एफ सी पे, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, इससे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है ना, तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि इस साइड तो 0 के अराउंड तो ये वाला मैसेज सिग्नल क्या है एम ऑफ एम माइनस एम ऑफ एफ माइनस टू एफ सी तो 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा टू एफ सी पे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी टू एफ सी पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ टू एफ सी पे, तो इधर टू एफ सी के अराउंड कुछ हमको मिल रहा है लेकिन हमको 0 के अराउंड कुछ नहीं मिल रहा है। अब हमको एम ऑफ एफ माइनस टू एफ सी इंटू एच ऑफ एफ माइनस एफ सी को किससे पास करना था, लो पास फिल्टर से पास करना था। लो पास फिल्टर होता है कैसा है, बेसबैंड, बेसबैंड पे तो हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो पास कराओगे तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप जब एम ऑफ एफ प्लस एफ सी कराओगे, एम ऑफ एफ प्लस टू एफ सी कराओगे तो एम ऑफ एफ प्लस टू एफ सी किधर से होगा, इस नेगेटिव साइड होगा, कहाँ पे माइनस टू एफ सी पे। तब देखो ये सिग्नल किससे मल्टीप्लाई कराना था हमको, एच ऑफ एफ प्लस एफ सी से मल्टीप्लाई कराना था, क्या था एम ऑफ एफ प्लस टू एफ सी इंटू एच ऑफ एफ प्लस एफ सी। तो यहाँ पे भी देखो ऑरिजिन के अराउंड तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इधर आपका माइनस टू एफ सी पे यहाँ पे ये वाला है और यहाँ पे माइनस टू एफ सी पे ये है, तो माइनस टू एफ सी पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पे कुछ मिलेगा बट 0 के अराउंड कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको पास किससे कराना था इसको, इसको हमको पास कराना था लो पास फिल्टर से, तो यहाँ पे ऑरिजिन पे कुछ है ही नहीं 0 है, तो लो पास फिल्टर के आउटपुट पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तीसरा कंपोनेंट हमारा एच ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस एच ऑफ प्लस एफ सी वाला था जो कि हम देख चुके हैं। तो यहाँ से जब इस वाले सिग्नल को क्या मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, खाली हमारा सिर्फ इतना ही बच रहा था, और जब इसको लो पास फिल्टर से पास कराओगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ हमको इतना ही सिग्नल मिल जाएगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं जब एस नॉट एफ को हम लो पास फिल्टर के इनपुट से पास कराएंगे तो लो पास फिल्टर के आउटपुट पर क्या मिलेगा, तो ये वाला पास, ये वाला सिग्नल भी क्या नहीं होगा, ये वाला सिग्नल भी पास नहीं होगा, ना ही आपका ये वाला पास होगा, सिर्फ क्या पास हो रहा है, सिर्फ आपका ये वाला सिग्नल पास हो रहा है, और उसमें भी इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो सिर्फ हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा लो पास फिल्टर के आउटपुट पे AC2/4 MF। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी डिमोड्यूलेशन कराने के बाद लो पास फिल्टर के आउटपुट पे, ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, दैट इज AC2/4 MF। क्या था एस नॉट एफ का स्पेक्ट्रम ये था आपका। ठीक है, इसको हम लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो फाइनली हमको सिर्फ मैसेज सिग्नल मिल रहा है, उसकी वैल्यू हमने देख लिया है पूरा मैथमेटिकली, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आपकी इतनी आ रही है। तो यहाँ से जब आप इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तुमको क्या मिल जाएगा AC2/4 MT। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, मैसेज सिग्नल रिकवर हो गया है। तो इस तरह से हमने डिमोड्यूलेशन कंप्लीट कर लिया है VSB मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। सो दिस इज ऑल अबाउट द VSB मॉड्यूलेशन। वी विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर एंड कंटिन्यू इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब गेट एजुकेशन चैनल।